तो देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। पटना में बुधवार को कोल्ड डे रहा। पछुआ हवाओं की तेजी से बुधवार को दोपहर बाद पारा काफी तेजी से नीचे लुढ़का। सुबह 11 बजे तापमान 11 डिग्री था, दोपहर 3 बजे 18 डिग्री और शाम 5:30 बजे 16 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। शाम 7 बजे तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में लगातार गिरावट की वजह दोपहर बाद 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पछुआ हवाएं हैं। इससे 8 घंटे के अंदर तापमान 7 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर हिमाचल में लगातार बर्फबारी हो रही है। यहां से बर्फीली पछुआ हवा बिहार पहुंच रही है, इससे तापमान लगातार गिर रहा है। अगले सप्ताह तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच खबर है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। रांची स्थित रिम्स में पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वो झारखंड में बनने वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही एक मंच पर नजर आएंगे। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर पूरे देश में विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं। बिहार में भी महागठबंधन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सीएए और एनआरसी के मुद्दों को लेकर बड़ा विरोध करने वाले हैं। जीतन राम मांझी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करेंगे। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी और ओवैसी किशनगंज में एक मंच पर एक साथ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। दोनों नेता सीएए और एनआरसी के विरोध में सभा करेंगे। 29 दिसंबर को किशनगंज में दोनों नेता केंद्र सरकार के नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ हुंकार भरेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बुधवार को समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने यूएन पैलेस में बीजेपी द्वारा आयोजित अटल जयंती और सीएए पर हुए सेमिनार में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा उड़ाए जा रहे अफवाह को लेकर आम लोगों के बीच सही जानकारी देने की अपील की। बाद में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कानून का विरोध करने वाली पार्टियों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस कानून से देश के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं है, फिर भी कांग्रेस और उनके सहयोगी और कानून का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि कांग्रेस बताए कि आखिर इस कानून से देश के लोगों को क्या नुकसान है। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं न कहीं गंदी राजनीति की साजिश के शिकार हैं। बिहार के मुख्य सचिव और 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को बिहार सरकार ने नए साल में बड़ा तोहफा दिया है। दीपक कुमार को सरकार ने 6 महीने की सेवा अवधि का विस्तार दिया है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। जल्द ही इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। सेवा विस्तार पर मुहर लग जाने के बाद अब आईएएस दीपक कुमार 29 फरवरी 2020 की जगह अगस्त 2020 तक अपने पद पर बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।